मैं सचिन खताविया और आज आपके फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज वीडियो के टी एम ड्यूक 200 DS6 बाइक के ऊपर। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसा कि आप पता है, आज का वीडियो KTM Duke 200 DS6 बाइक के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ वाइट कलर की बाइक का। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सारे कलर्स देख लो, क्योंकि शोरूम में जाना नहीं होता है, इसलिए आपको वीडियोस के अंदर ही दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैं माइलेज बताऊँगा, प्राइस बताऊँगा, स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, फीचर्स बताऊँगा और कलर्स बताऊँगा। तो जैसे कि आप पता है, आज का वीडियो KTM Duke 200 DS6 बाइक का है, जो कि वाइट कलर में। आज तो बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइस की। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ, जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। तो एक्चुअल प्राइस है इसका 176,845 रुपये का, और RTO अमाउंट है इसका 14,678 रुपये का। इंश्योरेंस अमाउंट है 10,875 रुपये, और अदर चार्जेस है 1,000 रुपये। ऑन रोड प्राइस आपको देखने की मिलेगी 2,03,398 रुपये की। तो आपकी सिटी में, मेरी सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1,500 का डिफरेंस होगा बस। अब बात कर लेते हैं कलर्स की। तो जैसा कि आपको पता है, दो ही कलर्स इसको इसके अंदर देखने मिलते हैं, एक वाइट और एक ऑरेंज, जिसमें से वाइट कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। इंजन टाइप इसमें सिंगल सिलेंडर, 4 बल्ब, लिक्विड कूल, FI, DOHC इंजन देखने को मिलेगा। इसके अंदर FI अपडेट है, तो मतलब काफ़ी जानदार बाइक बन जाती है, और शानदार तो है ही ये बाइक। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो 199.5 cc का है, और मैक्सिमम पावर 25 PSI एंड 10,000 RPM देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क इसके अंदर 19.3 Nm का एंड 8,000 RPM का। नंबर ऑफ सिलेंडर्स एक देखने मिलेंगे। कूलिंग सिस्टम इसमें लिक्विड कूल्ड है। बल्ब 4 सिलेंडर इसके अंदर 4 देखने मिलेंगे। ड्राइव टाइप इसमें चेन ड्राइव है। स्टार्टिंग इसमें सेल्फ स्टार्ट ओनली है। फ्यूल सप्लाई इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन थ्रू है, और क्लच इसके अंदर वेट मल्टी डिस्क में देखने मिलेगा। इग्निशन इसमें डिजिटल इग्निशन एंड ट्रांसमिशन मैनुअल होने वाला है। गियर बॉक्स की बात करते हैं, 6 स्पीड देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 गियर वाली ये बाइक है। बोर इसके अंदर 72 mm का है, और स्टॉक इसमें 49 mm का। कंप्रेशन रेशो इसका है 11:3:1। एमिशन टाइप जैसे कि आपको पता है, BS6 के ये बाइक है, तो BS6 इसका एमिशन है। अब बात करते हैं फीचर्स एंड सेफ्टी की। तो ABS इसमें डुअल चैनल देखने को मिलता है, और कंसोल इसमें डिजिटल देखने को मिलता है। 5 स्विच इसके अंदर देखने को मिलेगा, और क्लॉक की फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर दी गई है। एंटी थीफ्ट अलार्म भी दिया गया है इसके अंदर, और स्टेप अप सीट भी और पैसेंजर फुटरेस्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं माइलेज एंड परफॉर्मेंस की। तो ओवरऑल माइलेज देती है ये 35 किलोमीटर पर लीटर। चेसिस एंड सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। चेसिस का है स्प्लिट स्टील ट्रेलिंग फ्रेम के साथ, और बॉडी टाइप में स्पोर्ट्स नेकेड बाइक होने वाली है। फ्रंट सस्पेंशन इसमें WP USD 043 mm देखने मिलेगा, और रियर सस्पेंशन इसमें WP मोनोशॉक देखने मिलेगा। बॉडी टाइप्स में ग्राफिक्स होने वाली है, और डायमेंशन कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। लेंथ है इसकी 2050 mm की, विड्थ है इसकी 730 mm की, हाइट इसमें 810 mm की देखने मिलेगी। फ्यूल कैपेसिटी 13.5 लीटर की, यानी कि 13.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होने वाला है। स्टैंडल हाइट है इसकी 810 mm की, ग्राउंड एंड क्लियरेंस है 170 mm का, वाइल बेस 1367 mm का है। ड्राइव वेट है इसका 150.3 kg के, यानी कि 150.3 kg की बाइक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। तो हेडलाइट इसमें हेलोजन है, और टेल लाइट LED में, और टर्न सिग्नल लैंप इसमें LED में देखने मिलेगी। टेल लाइट इसके अंदर देखने मिलेगी, लो बैटरी इंडिकेटर भी इसके अंदर देखने मिलेगा,
लो ऑयल इंडिकेटर भी देखने मिलेगा, लो फ्यूल इंडिकेटर भी देखने मिलेगा और डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी इसके अंदर देखने मिलेगा। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर भी देखने मिला, प्लेट लैंप भी इसके अंदर देखने के मिलेगा। अब बात करते हैं टायर और ब्रेक्स की, तो टायर साइज की बात करते हैं। फ्रंट टायर है इसमें 110x70-17 का और रियर टायर है 150x60-17 का। तो देखा जाए तो 200 की बाइक में इतने हैवी टायर्स देखने के नहीं मिलते जितने KTM Duke 200 BS6 बाइक में देखने मिलता है। टायर टाइप इसमें काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया, ट्यूबलेस टायर है। और व्हील टाइप व्हील साइज़ की बात करते हैं, फ्रंट व्हील इसके अंदर 431.8 mm का, रियर व्हील इसके अंदर 431.8 mm का है। व्हील टाइप इसमें अलॉय होने वाला है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की, तो फ्रंट ब्रेक इसमें डिस्क है और रियर ब्रेक भी इसमें डिस्क देखने मिलेगा। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 300 mm है और रियर ब्रेक डायमीटर 230 mm का है। रेडियल टायर इसके अंदर देखने को मिलेगा। वीडियो देख चुके, वीडियो काफ़ी अच्छा था, आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपके भाई काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स होता है वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए, आपको भाई आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता है। और उसी टॉपिक का वीडियो ना तो इस टॉपिक आप बोलते हो। अगर अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।